नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आरएस ब्रिक न्यूज़ में स्वागत है। जो अभी न्यूज़ मिली थी कि बीकानेर में जो आदेश भिजवा दिया गया है 16,900 का, उस आदेश को लेकर प्रीति अब जारी कर दी गई है। राजस्थान सरकार प्राइमरी शिक्षा विभाग से राज्य परियोजना निदेशक, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर निदेशक प्रारंभिक माध्यमिक शिक्षा बीकानेर, आदेश वही है जो सैम वित्त विभाग ने जारी किया, उसमें किसी प्रकार का संशोधन नहीं किया गया है। जो आज जारी हुआ है उसमें लिखा है कि प्राथमिक शिक्षा के अधीन जो कार्यरत शिक्षाकर्मी हैं, पैरा टीचर सहिया ग्राम पंचायत सहायकों को राजस्थान कंट्रीब्यूशन हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 के अंतर्गत लाए जाने हैं तो पूर्व में निर्धारित किए गए पारिश्रमिक में संशोधन के संबंध में है। ये न्यूज जयपुर दिनांक 13 अप्रैल 2023 की है। उपयुक्त विषय अंतर्गत प्रारंभिक शिक्षा के अधीन कार्यरत जो शिक्षाकर्मी हैं, पैरा टीचर्स ग्राम पंचायत सहायकों को राजस्थान कंट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 के अंतर्गत लाए जाने हैं तो पूर्व निर्धारित किए गए पारिश्रमिक एवं पदनाम इस विभाग के समसंख्यक पत्र दिनांक 21/10/2022 में वित्त विभाग द्वारा निम्नानुसार संशोधन किया गया है। ग्राम पंचायत सहायक शिक्षाकर्मी या पैरा टीचर जिनकी शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता जिन्होंने बीएड कर रखी है, डीएलड या बीएसटीसी, उनका संशोधित पदनाम जो पारिश्रमिक राशि निम्नानुसार निर्धारित की गई है जो वित्त विभाग की सहमति प्रदान की जाती है। अब देखते हैं कि इसमें जो विद्यमान जो पदनाम है, जैसे शिक्षाकर्मी हैं तो संशोधित पदनाम उसका हो जाएगा सहायक शिक्षक हो जाएगा, और शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए उसकी बीएड या डीएलडी या बीएसटीसी करके, उसका जो मासिक मानदेय होगा वो 16,900। उसी प्रकार पैरा टीचर्स का कनिष्ठ सहायक नाम हो जाएगा, और उसके भी इस प्रकार के जो प्रशिक्षण कोर्स बीएड डीएलडी या एससीसी कर रखी हैं उसे 16,900 उसको भी मिलेगा। उसी प्रकार ग्राम पंचायत सहायक हैं और जिसका पदनाम अब बनेगा पंचायत शिक्षक, और उसको भी मानदेय होगा 16,900 का। लेकिन जो भी शर्तें इनके अधीन रहेंगी मानदेय इन नियमों के अंतर्गत आने से पूर्व यदि किसी कार्मिक को उपरोक्त निर्धारित किए जा रहे हैं पारिश्रमिक से अधिक पारिश्रमिक प्राप्त हैं तो ऐसे कार्मिकों को वर्तमान में प्राप्त पारिश्रमिक को संरक्षित किया जाएगा। एनजीसी के माध्यम से अथवा या जॉब बेसिस पर कार्यरत कार्मिक को इन नियमों के अंतर्गत नहीं लिया जाएगा। तीसरा बिंदु दे रखा है कि राजस्थान कंट्रीब्यूशन हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 के नियम 3 के प्रावधान के अनुसार कार्यरत कार्मिकों को पद के लिए निर्धारित शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव की शर्त पूरी करने पर ही इन नियमों के अंतर्गत लाया जाएगा। यानी कि जिस कार्मिक ने एसटीसी बीएड या डीएलडी कोर्स कर रखा उसको ही इसके अंदर लिया जाएगा। विभाग द्वारा विद्यमान कार्मिक हैं जो कि जिन्होंने बीएड कर रखी है, डीएलडी कर रखा है, बीएसटीसी योग्यता तारीख, उनका ही संशोधित जॉब का चार्ट निर्धारित किया जाएगा। यानी कि नया जॉब चार्ट निकलेगा। जो पदनाम हुए हैं जैसे सहायक शिक्षक हैं, कनिष्ठ शिक्षक हैं, पंचायत शिक्षक, इनका नया जॉब चार्ट जारी होगा। लेकिन जो पहले से कार्य जो कार्मिक हैं, विद्यालय सहायक हैं या जो बच जाते हैं इस नियमों के अधीन नहीं आते हैं, वो उसी बेस पर रहते रहेंगे, 10,400 का उनको लाभ मिलता रहेगा। इसी प्रकार ऐसे विद्यमान कार्मिक जो कि बीएड डीएलडी या बीएससी योग्यताधारी नहीं है, उनको पूर्व में निर्धारित पदनाम एवं पारिश्रमिक इस विभाग के जो समसंख्यक पत्र दिनांक 21/10/2022 को यथावत रखा गया है। लेकिन आपको चिंता करने की बात नहीं है, लेकिन उन जितने भी अप्रशिक्षित जो भाई हैं उन सभी को सरकार कोर्स करवाएंगी और इन समकक्ष लाने की पूरी कोशिश करेंगी 16,900 के। राजस्थान कंट्रीब्यूशन हायरिंग से जो सिविल पोस्ट रूल्स 2022 के अंतर्गत उपरोक्त पदों के कार्मिकों को निम्नानुसार सेवा अवधि पूर्ण करने पर उच्चतर पारिश्रमिक और पदनाम दिए जाने की सहमति प्रदान की गई है। आप सभी को पता है कि पहले आपने पढ़ लिया होगा कि इस प्रकार का जो मानदेय होगा 9 साल 18 साल से बढ़ा जाए, लेकिन एक बार फिर आपको अवगत करा देते हैं। जो भी कार्मिक हैं जैसे सहायक शिक्षक हैं, अगर उसके 9 साल हो जाते हैं तो सहायक शिक्षक को 29,600 यानी कि 9 वर्ष प्राप्त मानदेय में जो 2 वार्षिक वृद्धि जोड़कर कर दिया जाएंगे, यानी कि इसमें मानदेय वृद्धि कर दिए। उसे अगर 18 साल होते हैं तो उसका उसको कहेंगे सहायक शिक्षक ग्रेड, उसको फर्स्ट कहेंगे, और उसका जो मानदेय हो जाएगा 51,600। 18 वर्ष पूर्ण प्राप्ति पर मानदेय में 2 वार्षिक वृद्धि जोड़कर निर्धारित किया जाएगा। उसी प्रकार जो कनिष्ठ शिक्षक होगा उसको भी 9 वर्ष होने पर कनिष्ठ शिक्षक ग्रेड फर्स्ट कहेगा 29,600 होगा, और 9 वर्ष में वृद्धि जो पांदे में वृद्धि करके वार्षिक वृद्धि जोड़कर उसको बढ़ा दिया जाएंगे। उसी प्रकार 18 वर्ष की कनिष्ठ शिक्षक जो ग्रेड उसको फर्स्ट कहा जाएगा उसको 51,600 18 वर्ष में प्राप्त मानदेय में 2 वार्षिक वृद्धि जोड़कर निर्धारित कर दिया जाएगा। इसी प्रकार जो पंचायत शिक्षक हैं जिनके 9 वर्ष जिसको पंचायत शिक्षक का ग्रेड
सेकंड का आ जाएगा, और 29,709 वर्ष प्राप्त होने पर 2 वार्षिक वृद्धि जोड़कर इसको भी निर्धारित कर दिया जाएगा। उसी प्रकार 18 वर्ष जो भी हैं हो जाएंगे जिस कार्मिक के, सविता कार्मिक के, तो पंचायत शिक्षक ग्रेड फर्स्ट 51,600 18 वर्ष में प्राप्त मानदेय में 2 वार्षिक वृद्धि जोड़कर निर्धारित किया जाएगा। अतः वित्त नियम विभाग से प्राप्त अधिप की प्रचार प्रति संलग्न निर्देशन लेख हैं कि प्रकरण के संबंध में प्रदत्त निर्देशों के क्रम तदनुसार आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने का श्रम करावे। प्रकरणानुसार इस भवदीय प्रवीण कुमार लखेरा, संयुक्त शासन सचिव। अब हम इस नोटिफिकेशन पर पूरे पर आते हैं, तो हम ये देखते हैं कि जो संविदा कर्मियों को जो मानदेय मिलना था वो कब मिलेगा। उसका मानदेय जो अधिकतर बताया जा रहा है अप्रैल से ही इसका मानदेय प्रारंभ हो जाएगा 16,900 का, और एक आदेश नोटिफिकेशन और भी जारी होगा जिसमें ये फिक्स किया जाएगा कि किस मंथ से जो भी संविदा कर्मचारी हैं जिनको 16,900 के आदेश हुए हैं वो कब से मिलना प्रारंभ होंगे। इस आदेश को देखकर कुछ संविदा कर्मचारी जो प्रशिक्षित भई हैं वो काफ़ी मायूस हो रहे हैं, लेकिन आपको मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। इसमें अगर 16,900 के जो प्रशिक्षित भई हैं उनके अगर आदेश जारी हो जाएंगे इसके अनुसार उनको मानदेय मिलेगा, तो ये भी फिक्स है कि आपको भी प्रशिक्षण करवा के आपको इस श्रेणी में लाने का पूरा भरपूर सरकार का प्रयास रहेगा। अब एक सवाल आपके मन में ये होता होगा कि अगर ये नियम जारी रखे हैं जो 9 साल 18 साल का फ़ायदा उन संविदा कर्मियों को मिलेगा जो सरकार अगर नियमित करती है, अगर एक एक का फॉर्मूला अपनाती है सरकार नियमित करने में, तो उसमें जरूरी नहीं कि आप सोचो कि सभी संविदा कर्मचारी इसमें मतलब जो परमानेंट हो जाएंगे। हो सकता है कुछ संविदा कर्मचारी बच जाए परमानेंट होने से, और उनको अगर नहीं हो पाते हैं तो उनको बाद में इस प्रकार के जो पारिश्रमिक है मिलेगा। और ये भी फिक्स है कि पारिश्रमिक जो लिखकर आए 29,600 है या 51,600 है ये फिक्स नहीं रहेगा, यानी कि आने वाले समय में इस पारिश्रमिक जो भी मानदेय हैं इसमें ज़रूर वृद्धि होंगी और वृद्धि आप देखने को मिलेंगी। अभी एक महीने पहले इसमें 18,500 का था और आप 29,600 हो जाता, तो इस बात को आप समझ सकते हो कि इस प्रकार सरकार हमारे सभी सुविधा कर्मियों के लिए अच्छा कार्य करने जा रही है। और अगर एक एक का फॉर्मूला हो जाता है और इसका फ़ायदा अगर सभी सुविधा कर्मियों को देती हैं 2400 पे ग्रेड पर 3400 पे ग्रेड पर सुविधा कर्मियों को नियमित कर दिया जाएगा। एक प्रारंभिक शिक्षा विभाग एक आदेश और जारी करेगा जिसमें ये किस मंथ से जो मानदेय मिलना प्रारंभ होगा उस मानदेय का पूरा विवरण उसके अंतर्गत दिया हुआ होगा, और लगभग संभावना बताई जा रही है कि अप्रैल से ही 16,900 का मानदेय बनना प्रारंभ हो जाएगा इसी पदनाम के साथ। और पदनाम के लिए कोई अलग प्रक्रिया नहीं अपनाई जाएगी, जो भी हैं उसी डायरेक्टली उसको पदनाम चेंज कर दिया जाएगा और किसी प्रकार की कोई अलग प्रक्रिया नहीं होगी, जिस प्रकार आपको विद्यालय कोई नए डॉक्यूमेंट आपको नहीं देना है इसके अंतर्गत। अभी तक आपने हमारे चैनल को RS ब्रिज को सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर, धन्यवाद दोस्तों।